मेरे साथ फोन लाइन पर हैं विकास, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं, किस भाव पे खरीद है? जी, मैं विकास बोल रहा हूँ नोएडा से। नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने IRB इंफ्रा के 500 स्टॉक खरीद रखे हैं 72 के भाव पर। तो मुझे ये पूछना था कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और मुझे क्या ये मेरा डिसीजन सही है? आपने कितने समय के लिए इसमें रुकना है, कुछ अंदाजा दे पाएंगे हमें क्या? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मैं इंतजार करता हूं 50% या 100% रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो ऐसा कोई टाइमलाइन मैंने फिक्स नहीं किया है, मुझे बस प्रॉफिट अच्छा गेन करना है। चलिए मैं थोड़ा सा नियर टर्म आउटलुक समझती हूँ और राजेश के पास जाऊंगी उसके लिए। तो राजेश, देखिए तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, चैनल चेक्स भी ये बता रहे हैं कि जो एम्बिशियस 100 डे का प्लान होने वाला है मोदी 3.0 का, उसमें बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर हम फायदा होता हुआ देखेंगे। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी जो बाइंग प्राइस है, इससे अब कितना इनको नियर टर्म आउटलुक आप रिकमेंड करेंगे? बिकॉज इनका एक ही मकसद है, मुनाफा कमाना। नमस्कार विकास जी। काफ़ी अच्छे लेवल्स, मतलब अभी जिस लेवल्स पे बाइंग है तो यहाँ पे तो कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बट स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। एंड यहाँ से अगर 75-76 लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है तो जो आपका जो नज़रिया है 88-90 लेवल्स तक इस स्टॉक में आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट बहुत ही नियर टर्म में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम सर्ज दिख रहा है इसमें, तो बने रहिए। नियर टर्म में 88-90 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बताएंगे आपने क्या रेकमेंड किया था इनको? RB इंफ्रा जो अभी 72 लेवल्स पे है तो बने रह सकते हैं, यहाँ से 88-90 नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते स्टॉप हैं। लॉस 75-76 का रेजिस्टेंस है, अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 66 के पास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। चलिए 66 का स्टॉप लॉस लगाकर रुके रहिएगा, आपको ये सलाह दी जा रही है IRB इंफ्रा में। दिल्ली से करण भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, हाय, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शेयर बाजार सबका अधिकार, ये जो मुहिम आपने चलाई है ये जी, बहुत बढ़िया मुहिम है। बहुत बहुत और धन्यवाद मैं एक मिनट थोड़ा फालतू लूंगा, जी। आपके यहाँ जो एनालिस्ट हैं संजीव बसीन जी, गौरंग शाह जी, आस्था जैन जी, जो IPO के बारे में बड़ी डिटेल में बढ़ाते हैं, जी आपने इतने अच्छे अच्छे एनालिस्ट लाए हैं, पर वो जी जो कॉन्फिडेंस देते हैं संजीव बसीन जी, और संजीव बसीन जी और डिम्पी गावड़ा की जो जोड़ी है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अगर आप मुझे दिल्ली NCR में रहता हूँ तो नोएडा में आपका ऑफिस है, अगर आप हमारे जैसे निवेशकों को अगर अपने शो पे बुलाएंगे तो एक बहुत बहुत बिल्कुल मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना भी होगा आपसे, लेकिन जब तक वो होता है तब तक इस शो के जरिए और ऐसे कई सारे शोज हैं उनके जरिए हम दर्शकों से जुड़ने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं। और धन्यवाद आपका, इतना आपने हमारे तारीफ की हमारी और इतना प्रोत्साहन हमें दिया है, हमें अच्छे शोज और बनाने के लिए ये सारी बातें जो है बहुत मैम बढ़िया मनोबल आपकी जो देती हैं, टीम तो है ना, बहुत बहुत धन्यवाद करण। आपकी जो टीम है, आप हो गए, डिम्पी कालरा जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, वो एक अलग लेवल की है। वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना हमें, जी, जैसे डिम्पी कालरा जी बताती है कि शेर बढ़ता तो सीढ़ियों की तरह लेकिन गिरता लिफ्ट की तरह है, तो हाँ। एक अलग तरह की टीम है और एक बिल्कुल, अलग तरह का कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। कोशिश यही होती है कि आप निवेश के तमाम पहलुओं को समझें और अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में खुद लें। बताइएगा करण, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैम दिव्यानी इंटरनेशनल शेयर है मेरे पास 1173 पे, ओके ठीक है। तो इसका और क्या क्या नजरिया है, और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बुलाइए, दिल्ली NCR में रहता हूँ तो एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट ज़रूर है। एक मीटअप प्लान किया जाएगा। अच्छा, आपको कितना रुकना होगा देवयानी इंटरनेशनल में? मैम मैं काफी दिन से रुका हुआ था लेकिन अब इसमें चाल दिख रही है तो आगे का नजरिया अगर पता चल जाएगा तो मैं रुक सकता हूँ। चलिए, आपको भी नियर टर्म आउटलुक ही जानना है तो राजेश आपी के पास आऊंगी मैं। बताइएगा 173 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए ये वीक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में, 13% अप है फॉर द वीक। एंड अगर वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 170-171 के पास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनका ऑलरेडी बाय है तो बाय बने रहिए। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है स्टॉक प्राइस में 195 तक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।